आपने इनेलो की सरकार देखी 99-2005 तक, उसके बाद आपने और उसके बाद आप पिछले 7-8 साल से आप खट्टर सरकार भी झेलने का काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी की जो सरकार है, जो ये खट्टर सरकार है, इस सरकार से छिके हो कि नहीं छिके हो? छिक लिए कि नहीं छिक लिए? कदे नहीं छिके हो तो सरकार छिके पड़े हो। तो ये तीनों के कार्यकाल आपके आगे, आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल हरियाणा खुशहाली के और विकास के रास्ते पे रहा। 10 साल में हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं, 10 साल हरियाणा में कहीं पुलिस को लाठीचार्ज करने की आवश्यकता नहीं, कहीं दूर की बात है, 10 साल में किसी को खरोच भी नहीं आई। आपसी भाईचारे खुशहाली के रास्ते हरियाणा विकास के मामले में आगे बढ़ा और देश में हरियाणा की गिनती विकास के मामले में जो सबसे आगे प्रदेश खड़े थे उनमें हरियाणा की गिनती हुई, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश हो, विकास दर हो, चाहे खेल खिलाड़ियों का मान सम्मान हो की बात हो, चाहे वो किसान के भले की बात हो या गरीब आदमी के हितकारी योजनाओं की बात हो, हरियाणा का नंबर देश में सबसे आगे के राज्यों में आया। किसान के लिए चाहे हमारी सरकार के समय 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, चाहे शून्य पर कोऑपरेटिव का लोन देने की बात हो, कि स्कीम शॉर्ट टर्म लोन्स का फसली ऋण की योजना लाने की बात हो, चाहे जमीन की कोऑपरेटिव के बैंक के कवज में जमीन की नीलामी और किसान के गिरफ्तारी के काले कानून को देश में हरियाणा सबसे पहले हरियाणा में उन कानूनों को खत्म करने की बात हो। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कलम चली तो किसान के हित में कलम चली 10 साल आपके बीच में, चाहे वो भाव की बात हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज ये खट्टर सरकार आपने देखी, आपने हुड्डा सरकार भी देखी, धान दुगने में किसान का लिया जाता था और डीजल आधे में दिया जाता था कि नहीं दिया जाता जब हमारी सरकार थी? आज आप अपने तो ये आप अपने दिल पे हाथ रख के आप पूछ सकते हैं, तुम लोग धरने रोटी वोटी खवाया के ना दे रही? अरे रोटी वोटी दिया के ना घर में दे रही धरने? तो मैं जोर से बोलो यार, पता लगे हाँ भाई वाकई ठीक है यार। ये इलियास जी है, मोहम्मद इलियास जी मेवात की धरती से विधायक है और ये मेवात की आवाज है, बड़े बहुमत के साथ लोगों ने इनको जिताने का इस बार काम किया, ये भी चौथी बार विधानसभा में पहुंचे मेवात से जीत के, तो इनका भी बहुत बहुत कुमारिया गांव में स्वागत है। तो खैर आपने सरकार देखी, आज किसान की फसल तो मंडी में पिट रही है, बाजरा पिटा कि नहीं पिटा? मैं आपसे पूछता हूँ, धान पे कंडीशन लगा दी, पहले कह रहे थे 25 सितंबर से खरीदेंगे, फिर एक को खरीदेंगे, फिर 11 खरीदेंगे, फिर आंदोलन किया हम लोगों ने जाके एक एक मंडी में पहुंचे, तब जाके खरीद शुरू करी मसा, और 33 क्विंटल लिया जाता था जहां वो आज एक एकड़ पे 25 क्विंटल लेने की कंडीशन लगा दी, पहले कंडीशन नहीं थी आपको अगर सरकार याद। तो किसान की फसल तो मंडी में पिट रही है और किसान सड़क पर पिट रहा है, ऐसा राज मैं गलत तो नहीं कह रहा? आंदोलन पिछले एक साल से आंदोलन, किसान का तिरस्कार अगर किया गया है तो इस सरकार के राज में किया गया है। हम तो देखते हैं वहां दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली के संसद के अंदर जो तिरस्कार है, आपका बच्चा होने के नाते मेरे को आपके बीच में मैं ना बताऊं तो कहां बताऊं, क्योंकि वहां पे 15 सांसद हरियाणा से जाते हैं, दिल्ली संसद में 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 बीजेपी के, तो एक विपक्ष के एकमात्र सांसद के नाते जो मैं देखता हूँ आपके बीच में रखना मेरा फर्ज है। किसान की मांग को मानने से मना किया, किसान को किसान मानने से मना किया इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कहा कि उपद्रवी हैं, आतंकवादी खालिस्तानी हैं, और उसके बाद किसान को इंसान मानने से भी मना किया, इतने किसानों की जान चली गई, किसी ने एक
सहानुभूति के दो शब्द, संवेदना के दो शब्द भी किसान के लिए अगर नहीं कहे, नहीं तो जब अगर किसी की मृत्यु होती है तो जो स्थानीय आदमी है, कोई सांसद विधायक, वो तो सुख दुख में आता है, लेकिन किसान के आंसू पोंछने भी सरकार की तरफ से या इनेलो की तरफ से, आज इनेलो पार्टी लड़ रही है किसान का नाम लेके, उनकी तरफ से कोई किसी किसान के घर में आंसू पोंछने भी, जो 500 किसानों की जो मौत हुई जिसमें से बहुत से हरियाणा के किसान हैं, कोई आंसू पोंछने भी कोई मंत्री संतरी पहुंचा नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और सारे विधायकों का, पूरा विधायक दल यहाँ पे, बहुत विधायक आज आपके गांव में आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में फैसला लिया कि जहां कोई अगर किसान की इन धरनों पे अगर किसी किसान की जान कुर्बान होगी तो वहां हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल पहुंचेगा और 2-2 लाख की आर्थिक मदद विपक्ष में होने के बावजूद देश में अगर कहीं गई की गई, नहीं तो इनकी सुध नहीं ली, नामो निशान चला गया लेकिन उनकी सुध नहीं ली, जा सकती थी, इन लोगों के नेता भी जा सकते थे, अभय सिंह जी भी जा सकते थे, किसी का दुख बांटने जा सकते थे इन किसानों के लिए, अगर कोई मदद नहीं करनी थी तो कम से कम आंसू पोंछने जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। बीजेपी को तो खैर क्या, बीजेपी तो जो है लखीमपुर में आपने देखा रौन दिए गए, टायरों के नीचे रौन दिए गए, मंत्री अभी भी गृह मंत्री बने हुए देश के, और लोग पूछते हैं आप चले गए लखीमपुर इसीलिए गए थे? अगले दिन जब मैं वहां गया, मैं इसलिए गया था प्रियंका जी और हम गए थे कि देश के गृह मंत्री, उप गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे इसमें मुख्य आरोपी हैं, वो लखीमपुर के सांसद हैं। जब यूपी की सरकार, देश की सरकार, सारी पुलिस बल वहां पे एक तरफ हो, अन्याय करने वाले की तरफ दिखाई दे, तो कम से कम उन किसान भाइयों के साथ खड़ा कोई संसद से जाके कोई सांसद खड़ा जाए, ये भी एक वहां पे संदेश देना जरूरी था। इसीलिए हम गए, वहाँ जेल से ही धक्के से, लेकिन कोई ना कोई वहां पे किसान के बेटे के साथ भी खड़ा हो, दिखाई दे कि देश में अन्याय सहेंगे नहीं। इस चुनाव में आपको इसका हिसाब किताब, दूसरा आपने हिसाब किताब पूरा करना है। बीजेपी जेजेपी सरकार जिन्होंने हरियाणा को पटरी से उतार दिया, सारी स्कीम्स बंद कर दी, केवल किसान की बात नहीं, गरीब आदमी की, हमारे समय हुड्डा सरकार के समय 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए, गरीब आदमी, 80 वर्ग के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के 36 बिरादरी गरीब परिवार, उस समय 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, 1 लाख प्रियदर्शनी आवास योजना की किस्त आए 1 लाख के मकान, दाल रोटी की स्कीम, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की स्कीम, पीने के पानी की टंकी और टूटी और कनेक्शन की स्कीम, आज सारी स्कीम्स को अगर बंद करने का काम हुआ है तो बीजेपी की सरकार में हर गरीब परिवार आज बेरोजगारी और महंगाई की चोट किसान पे, गरीब आदमी पे, तो आज हर वर्ग, केवल किसान नहीं, गरीब आदमी, किसान, छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी से त्रस्त, कर्मचारी सरकार से त्रस्त, हर वर्ग इस सरकार से, खट्टर सरकार से आज दुखी है। और इसीलिए जो उन्होंने नारा दिया था 75 पार और 85 पार, आपने देखा होगा जो नारा तो था 75 पार 85 पार, लेकिन लोगों ने उस नारे की हवा निकाली थी कि नहीं निकाली थी जब चुनाव का नतीजा आया था? लोगों ने तो कर दिया था काम, लोग तो सरकार बदलना चाहते थे, मगर ये तो बैकडोर एंट्री से कुछ लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट ली लेकिन जाके उनको समर्थन करने का काम किया, बैकडोर एंट्री से सरकार बनाने का काम किया। दूसरी तरफ एक तरफ तो ऐसा गठबंधन है चंडीगढ़ में, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है इनेलो पार्टी, अभय सिंह जी ऐसे प्रत्याशी जिनको आत्मंथन करना चाहिए इस पार्टी को कि आप पार्टी पूरे हरियाणा में खत्म की होगी। जब चुनाव हुए तो पूरे प्रदेश में 2019 में चुनाव विधानसभा में पूरे प्रदेश में मात्र 2 सीटों पे इनकी जमानत बची, 1 विधायक और 1 सीट पर जमानत बची, बाकी 88 सीटों पे जमानत क्यों जब्त हो गई? सारे विधायक बैठे पूरे हरियाणा कोने कोने से, हर जिले से आए, हरियाणा के हर जिले से जो विधायक आए ये गवाह इस बात के देंगे कि जो इनेलो के प्रत्याशी थे कहीं 100 वोट कहीं 50 वोट पार्टी समाप्त की हो गई, कुछ तो खता रही होगी, लोग यू बेवफा नहीं होते। पूरे प्रदेश के अंदर, सारा प्रदेश, एक एक जिला, सारे प्रदेश, एक एक जिला साफ की होगी। 77 के बाद लोकदल जब बनी थी 77 के बाद पहली विधानसभा एक विधायक नहीं लोकदल पार्टी का, और इससे पहले एक थे जो स्वयं अभय सिंह जी, मात्र एक, और वो भी आपने देखा। मैं बताता हूँ क्यों, वैसे तो कार्यशैली में बहुत सी
कमियां इनकी रही होंगी, इनको आत्ममंथन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो देखा है हमने कि सरकार में हो और लोग छुट्टी कर दें, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी की छुट्टी करते पहली बार देखा। पिछली बार जब 2014 में चुनाव हुआ तो मुख्य विपक्षी पार्टी 19 सीट इनकी आई थी, कांग्रेस की तो 15 सीट थी, आपको याद होगा। पहली बार लोगों ने सरकार के साथ साथ मुख्य विपक्षी पार्टी की भी छुट्टी करी। एक विधायक आया और कांग्रेस के 31 विधायक विधानसभा के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आए। ये इनको आकलन करना चाहिए, आत्मंथन करना चाहिए। कार्यशैली में कई कमियां रही होंगी, लेकिन एक प्रमुख कमी मैं बताता हूँ। मौका मिलते ही बीजेपी का साथ दिया, इनको मौका था मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का, लड़ाई लड़ते बीजेपी से, खट्टर सरकार से लड़ाई लड़ते, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी हुड्डा साहब से। बयान देते हैं हुड्डा साहब के खिलाफ, मौका आता है देते हैं बीजेपी का साथ। 2014 में मोदी सरकार बन रही थी तो दिया समर्थन, राष्ट्रपति चुनाव आया दिया बीजेपी का समर्थन, उपराष्ट्रपति चुनाव आया दिया बीजेपी का समर्थन। 2019 में जब गिनती हो रही थी 75 पार के नारे का की हवा निकल रही थी, 12:01 जब आपने टीवी देखा खोल के, तो टीवी में कांग्रेस पार्टी 36 सीट पे और बीजेपी 35 सीट पे आगे चल रही थी कि नहीं चल रही थी, मैं आपसे पूछता हूँ। आपने भी सोचा एक बार काम हो गया, लेकिन सबसे पहला बयान आया इनेलो पार्टी का अभय सिंह जी का कि भाई अगर हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम सरकार जो है समर्थन नहीं देंगे तो किसके बाद देंगे, दूसरे तो खट्टर साहब के नेतृत्व में बीजेपी को समर्थन देंगे। तो यानी कि कल को अगर तकलीफ इसी बात की है कि भतीजा कैसे उठ ले गया खट्टर साहब की सरकार में, 2-4 सीट हमारी फालतू आती तो हम उठ लेते इस बात की। तो ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए थी और बीजेपी का साथ दिया, यही कारण है कि आज एक सीट पे सिमट गए। और आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जब आप नतीजा दें आज 2024 के बारे में भी सोचें, क्योंकि एक विधायक से काम नहीं चलेगा। चंडीगढ़ में सरकार बनानी पड़ेगी, ये बीजेपी को और जेजेपी को चंडीगढ़ के सिंहासन से उतारना पड़ेगा, तब काम चलेगा। और उसका रास्ता एक है, उसका रास्ता एक, पूरा प्रदेश आज कांग्रेस पार्टी की तरफ चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक सकारात्मक विकल्प के रूप में पूरा प्रदेश देखता है, वो उसका रास्ता है। और इसीलिए आप सबसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि आज आप हमारी बात पे विश्वास करें, हमारी बात पे आप गौर फरमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का साथ दें। आज आपके बीच में आए मैं, पूरे कुमारिया गांव का, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत कम, बीच में भी पहले भी मुझे आने का अवसर मिला है गाँव में, आपका बहुत आशीर्वाद तब भी मिला था कि नहीं, भूल गया भी याद है तो भाई। तो आज दोबारा आपके गांव में आने का मुझे मौका मिला है, आपने इतना मान सम्मान दिया, मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय राम जी की।